हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट LiAlH4। ठीक है, तो LiAlH4 जो है, वैसे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल की हमने डिस्कस कर ली, बट और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिस पर LiAlH4 की रिएक्शन हो सकती है, और उनमें इम्पॉर्टेंट ग्रुप है साइनाइड। तो साइनाइड पर अगर अपन LiAlH4 की रिएक्शन कराते हैं ठीक है, तो इससे बन जाता है अमीन। ऑल दो इट इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बट मैं जानबूझ करके अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि जब हम अमीन चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है ना कि पहले जैसे अपन ने एच माइनस की रिएक्शन को कराया, पाई शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, आर सी एच एच डबल बॉन्ड एन माइनस, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ Li प्लस लगा दें ठीक है। इसके बाद फिर H माइनस की रिएक्शन अपन करा दें इस पर, तो यहाँ आ जाएगा RCHH और N ठीक है माइनस Li प्लस। और फिर जब H प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे हम पहले ऑक्सीजन पर जोड़ते थे H प्लस, अब हम नाइट्रोजन पर जोड़ेंगे ठीक है, और इस तरीके से प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम होता तब अल्कोहल बनता, अब नाइट्रोजन है तो अमीन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं, सो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन, या कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम लोग करते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ऑन रिएक्शन विथ LiAlD4 एंड H+H2। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CD डबल बॉन्ड N, यहाँ पर फिर और क्या आ जाएगा, यहाँ पर NH, क्योंकि जो ड्यूटेरियम में LiAlH4 से आ रहा है वो कार्बन से जुड़ेगा, और जो H+ आ रहा है सॉल्यूशन से वो नाइट्रोजन से जुड़ेगा। और इसके बाद फिर फर्दर अपन रिएक्शन कराते हैं LiAlD4 एंड H+H2, तो अगेन ये डी प्लस हम कार्बन से जुड़ेंगे, इट विल फॉर्म CH3CD2 एंड NH2 ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि हमारे पास में कोई अल्काइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaCN के साथ, तो आप जानते हो 2 डिग्री है, इस पर SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन होगी तो यहाँ पर Cl हट जाएगा और साइनाइड आ जाएगा ठीक है, और Cl माइनस लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसका रिडक्शन करवा लिया जाए आपसे LiAlH4 एंड H+H2, तो दैट विल कन्वर्ट टू फॉर्म व्हाट, CH2 एंड NH2, इस तरीके से होगा ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, रिएक्शन करा दें इमीन पर CH डबल बॉन्ड NH इमीन पर, और इसकी रिएक्शन अगर हमने करा दी किसके साथ, LiAlH4 और H+H2 के साथ, तो ये रिड्यूस होकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3CH2 और NH2 में, ये बना लेगा ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है, एंड देन अगेन यहाँ पर कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए CH3NC आइसोसाइनाइड पर, और रिएक्शन हम कराते हैं LiAlH4 एंड H+H2, तो इसमें फिर प्राइमरी अमीन नहीं बनेगा, नाइट्रोजन पर एक ही एच आ सकता है, वैलेंसी 3 है, और कार्बन पर बाकी के जो एच है वो आएंगे, 2 डिग्री अमीन ये बन जाएगा ठीक है। तो अगर साइनाइड है तो प्राइमरी अमीन, लेकिन अगर आइसोसाइनाइड है तो रिडक्शन से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। या फिर कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, साइक्लिक अमीन कभी कभी दे देते हैं क्वेश्चन पेपर में, और रिएक्शन विथ LiAlH4 एंड H+H2, इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, नाइट्रोजन पर H आ जाएगा
और यहाँ पर भी H आ जाएगा, तो इट इज ऑल्सो ए टू डिग्री अमीन और इट इज ए सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से एलाइल एच फोर इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो फिर देन आप लोगों को सही करने हैं, और कर ही लोगे आप लोग, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही इतने सारे सॉल्व करके दिखा दिए हैं और आप लोग भी प्रैक्टिस तो करोगे ही। तो जो इमीन है इसकी रिएक्शन अपन ने कराई, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और क्या आ जाएगा NH2। ठीक है, प्राइमरी अमीन। तो इसकी रिएक्शन साइनाइड से या आइसोसाइनाइड से कराई जा सकती है, या इस तरह की जो कंपाउंड्स है CH डबल बॉन्ड NH, इनसे भी कराई जा सकती है। इनको कहा जाता है इमीन। क्या कहा जाता है? इमीन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिससे रिएक्शन हम करवा सकते हैं और होती है, दे आर अमाइड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे दीज आर नॉट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ जाते हैं जैसे इस केस में आ रहे हैं, तो O इज बेटर लिविंग ग्रुप देन N। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? LiAlH4 के साथ, तो हमें अल्कोहल नहीं मिलता है, हमें अमीन मिलता है। इसमें एनिली नहीं, अमीन मिलता है हमें। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द अमाइड, जैसे यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को हटाना है और दोनों जगह पर मतलब दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ठीक है, बस और कुछ इसमें है नहीं। जैसे अपन LiH4 की इस पर रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये ऐड हो जाएगा और ऐड हो करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Li+ लिख दें ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, और फिर इस पर H- की रिएक्शन को कराएंगे तो ये लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? CH3 CH2 NH2, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? LiO-, और जिस पर हम नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन कराएंगे तो इट विल फॉर्म LiOH। सो वेरी सिंपल, और इस तरीके की रिएक्शंस में ध्यान रखें, बस आपको कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म भी नहीं लिखना है। मैंने लिख दिया है, एक बार लिख लिया, फिर उसके बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट लिखना है, जब भी एग्जाम में आए O हटाना है, और जो भी वैलेंसी O से पूरी हो रही थी उसको अब हमें पूरी करनी है हाइड्रोजन से। ठीक है, इस तरह से करना है। अब ये अमाइड जो है ये भी तो कई तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी अमाइड हो सकते हैं, सेकेंडरी अमाइड हो सकते हैं, टर्शरी अमाइड हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो एक बार अगर अपन इसमें देखें, CH3 सी डबल बॉन्ड हो, एक मिनट रुको, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड हो NH2, और इसका रिडक्शन अगर अपन कराते हैं LiLH4 के साथ, LiAlH4H+H2। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? इट विल रिड्यूस, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और NH2, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 2 डिग्री अमाइड होता, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड हो NH CH3 एंड द रिएक्शन रिपीट्स। मैंने आपको क्या सिखाया? जो O हटाना है और इसकी जगह पे दो हाइड्रोजन हमें प्लेस करने, दैट्स इट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 NH CH3, दैट्स इट। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ टर्शरी अमाइड होता, सेम रिएक्शन रिपीट, तब क्या करते हैं? तब भी हम ये O को हटाते और दो हाइड्रोजन यहाँ पर प्लेस कर देते, तो PH CH2 N, यहाँ पर इथाइल ही रहता और यहाँ मिथाइल ही रहता। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेते। सो दीज आर वेरियस रिडक्शंस फॉर अमाइड्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिया है वो 1 डिग्री अमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 H जुड़े हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जो मैंने लिया है वो 2 डिग्री अमाइड है, एक ही H है, और थर्ड क्वेश्चन में 2 अल्काइल ग्रुप है, इट इज़ ए टर्शरी अमाइड। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे साइक्लिक पर भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे आ सकते हैं इनको लिखो।
ठीक है, तो ये इनके भी आंसर लिखे और मैं आपको बता दूं, इनको क्वेश्चंस को कॉपी करो, मैंने आपको बोला है मैकेनिज्म नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, इनको कॉपी कर लीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑक्सीजन है वो हटेगा और दोनों जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड कॉपी दिस एंड एक ब्रेक ले लीजिए आप इसमें। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर, यहां पर साइक्लिक ग्रुप्स दिए हुए हैं और फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक 2° अमाइड है और इसका जब अपना आंसर लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, दिस शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर दोनों तरफ अगर H आ जाएंगे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन आइटम्स को, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर अपन देखें तो यहाँ पर N, यहाँ पर भी हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन आइटम हट जाएंगे और हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ ए टर्शरी अमीन एंड इट इज़ ऑल्सो ए टर्शरी अमीन एंड इट इज़ ए सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं। और अमाइड की रिएक्शन भी हमने LiLH4 पर देखी, साइनाइड की भी देखी, आइसोसाइनाइड की भी देखी और इमीन की भी देखी। अब हम देखते हैं आगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अल्कीन्स, पहले हम अल्कीन देख लेते हैं। तो अगर हम सोचें कि भाई अल्कीन पर LiLH4 की रिएक्शन हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। LiLH4 की रिएक्शन अल्कीन पर डायरेक्टली नहीं होती है और वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि भाई यहाँ पर अल्कीन भी खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है और H माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, दे विल रिपेल ईच अदर और रिपेल करेंगे तो फिर इस पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली अल्कीन पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है LiLH4 की, अल्कीन और H माइनस दोनों न्यूक्लियोफाइल है, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें रिएक्शन करवाना है तो यूज किया जाता है LiAlH4 के साथ AlCl3 विच इज ए लुइस एसिड, तब ये रिएक्शन हो पाती है, ठीक है। और इससे अल्कीन के रिएक्शन से या अल्कीन के रिडक्शन से यहाँ पर हमें मिल जाता है अल्कीन। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको समझा दूँ कि ये कैसे होता है। सबसे पहली बात, अल्कीन खुद इलेक्ट्रॉन डोनर है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इस पर AlCl3 की रिएक्शन होगी। एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एक तरीके का ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो एल्यूमिनियम जा करके बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरीके की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। ठीक है, यहां पर डेल्टा प्लस आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद में क्या होगा भाई कि इस पर H2O की रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी AlCl3 की रिएक्शन के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, और प्लस चार्ज आ गया तो क्या होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा और ये न्यूक्लियोफाइल कौन प्रोवाइड करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा LiAlH4। तो H माइनस का यहाँ हम अटैक करा देंगे और जब हम यहाँ अटैक कराएंगे तो इससे तो जुड़ जाएगा RCHH। तो भाई देखो ये एच कहाँ से आ रहा है, ये चाह रहा है LiLH4 से। अगर यहाँ पे LiLD4 लिया तो यहाँ D आ जाएगा, LiAlT4 लिया तो यहाँ T आ जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या आ जाएगा, CH2 एंड AlCl3 और एल्यूमिनियम जो कि एक आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, यहाँ 4 आने से माइनस चार्ज आ जाएगा और माइनस चार्ज होने से ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब सेकेंड स्टेप अपन कराएंगे तो क्या होगा, H प्लस की रिएक्शन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, AlCl3 यहाँ से एज ए कैटलिस्ट बाहर चला जाएगा, बिल्कुल फ्री हो गया, ये वेल्ला हो गया है। अब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा और जो H माइनस है वो हम यहाँ जोड़ के अल्केन बना लेंगे। तो यस, वी कैन कैरी आउट द रिएक्शन और वी कैन कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ अल्कीन विद LiAlH4, बट हमें क्या चाहिए, हमें AlCl3 चाहिए। AlCl3 की प्रेजेंस में ही हम रिएक्शन को करा सकते हैं, नॉट ओनली अल्कीन, अल्काइन की भी रिएक्शन करा सकते हैं। R C ट्रिपल बॉन्ड CH
और इसकी रिएक्शन डायरेक्ट तो हम नहीं करा सकते, बट अगर हम AlCl3 लेते हैं तो हम रिएक्शन करा सकते हैं, और ये रिड्यूस होकर के पहले तो बन जाएगा अल्कीन, और फिर फर्दर इसका रिडक्शन जब होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, अल्केन, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हमने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाया, AlCl3 से रिएक्शन करा के पार्शियल चार्ज को बढ़ाया, और उसके बाद फिर H- का न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करा दिया। तो एल्यूमिनियम तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और H- यहाँ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। एक बार ये ऐड हो गया तो फिर हमने इसको AlCl3 को निकाल लिया कैटलिस्ट की तरह और H+ को यहाँ जोड़ के और अल्केन बना लिया, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार और एक थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप लोग और इसको कॉपी कर लीजिए। तो अल्कीन का और अल्काइन का दोनों का रिडक्शन हम करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, शायद इस पर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड पर भी रिएक्शन Li(AlH4) की हो सकती है और रीज़न आप लोग जानते ही हो, ये 3-मेंबर साइक्लिक रिंग है, अनस्टेबल है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, और इस पर जो अपन रिएक्शन कराते हैं Li(AlH4) की, यस दिस इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑल्सो, इससे अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। कैसे रिएक्शन होती है हम देख लेते हैं। तो हम इस पर H- का अटैक करा दें और इसको लीविंग ग्रुप की तरह निकाल दें, ठीक है, और इससे बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2O-, ठीक है, और फिर H+ और H2O से रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर आ जाएगा इथेनॉल, इस तरह से। तो इसमें देखो हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो किया है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो है H-, तो H- का हमने अटैक कराया है, और किसी भी कार्बन पर करा सकते हो क्योंकि दोनों कार्बन इक्वली स्टेरिकली क्राउडेड है, और इसके बाद हमने इसको निकाल दिया, O- को प्रोटोनेट करके अल्कोहल बना लिया। कभी ऐसी कुछ बात आ जाती है जिसमें हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्टेरिक क्राउडिंग दोनों कार्बन एटम्स पर अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे। तो जैसे मान लो कि रिएक्शन में ये दिया जाए Li(AlH4)H+H2, तो मैं आपको बताऊं यहां पर हम स्टेरिक क्राउडिंग से डिसाइड करेंगे, ठीक है, और स्टेरिक क्राउडिंग से क्या होगा, देखो जो H- का अटैक है वो हम राइट वाले पे कराएंगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और यहां पर आ जाएगा CH3 CHO-CH3, और फिर H+H2O से रिएक्शन जब कराएंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हमारे पास में अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड तो है बट Li(AlH4) की जो रिएक्शन है, ठीक है, वो AlCl3 के साथ करवा देते हैं, और अगर ऐसा करते हैं या ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो क्या होगा या कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। और ऐसे केस में अल्कोहल बनेगा प्राइमरी, देखो उल्टा पड़ गया, ऊपर जो रिएक्शन है उसमें 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, जो नीचे रिएक्शन दी हुई है उसमें अल्कोहल बन रहा है प्राइमरी या 1 डिग्री। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इपॉक्साइड है इसमें पहले क्या होगा, AlCl3 के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और इसमें एल्यूमिनियम जो कि वेकेंट ऑर्बिटल कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ऐसा होने पर ओके और एल्यूमिनियम के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये बन गया गुड लिविंग ग्रुप,
और इस पर अपन रिएक्शन जब कराएंगे एच माइनस की, तो क्योंकि यहाँ पर कार्ब किटान इस पर ज़्यादा स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और यहाँ डेल्टा प्लस बीच में ही आएगा, बीच में इसलिए आएगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्ब किटान है, तो इस पर हम अटैक करा देंगे, और अटैक करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा CH2 AlCl3 माइनस, ओके। और जिसके बाद में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, जब H प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे तो इससे तो बन जाएगा CH3CH2CH2OH और AlCl3 यहाँ से एज ए कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा। थोड़ा सा और ढंग से समझे कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर जब H माइनस का अटैक हुआ डायरेक्ट, तो दिस रिएक्शन वॉज सिमिलर टू SN2 रिएक्शन, और इसीलिए जहाँ स्टेरिक क्राउडिंग कम थी वहाँ तो H जुड़ गया और O माइनस बीच में आ गया, जो प्रोटॉन से रिएक्शन करके अल्कोहल बना लिया। जब रिएक्शन हमने AlCl3 की प्रेजेंस में कराई तो इट कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप और मोर और लेस यहाँ पार्शियल कार्ब केटायन बना, और पार्शियल कार्ब केटायन बना मतलब रिएक्शन वॉज सिमिलर टू वॉट SN1, ऑल दो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बट जहाँ केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे, इस तरह से बना लेंगे, प्रोटोनेट करके 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा CH3CH2CH2OH, ये बन जाएगा, ठीक है। तो बात ये है कि हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में AlCl3 दिया है या नहीं दिया है, ठीक है, और फिर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इस पर, जिससे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। देखो, बात मानोगे तो मज़ा आएगा, अगर आप लोग, मैं बोलता हूँ पॉज कर लीजिए और आप लोग इरिटेट होते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं तो अपनी मेहनत कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, पॉज नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये करें आप लोग। सो रिएक्शन विथ AlCl4 एंड H+H2, सो कुछ कंपाउंड A बन जाएगा। रिएक्शन विथ AlCl4 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 H+H2, कुछ कंपाउंड B बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है A क्या है और B क्या है। देन क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया जाए, चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, रिएक्शन विथ AlD4 एंड H+H2 एंड सेकेंड AlD4 इन AlCl3 एंड H+H2, ठीक है। तो आपको A और B क्या है ये बताना है, ठीक है, करें अटेम्प्ट आप लोग। ओके, तो देखो इसमें बेटा ऐसा है कि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो राइट वाले कार्बन पर है, और ये कुछ SN2 की तरह होगा क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है, तो राइट वाले कार्बन पर तो हम हाइड्रोजन को जोड़ दें और बीच वाले कार्बन पर हम OH जोड़ दें इस तरह से। इसमें देखो जो रिएक्शन होगी वो कुछ SN1 की तरह होगी, तो न्यूक्लियोफाइल जो कि H है उसको हम बीच में जोड़ दें और OH हम राइट में बना लें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऊपर वाली जो रिएक्शन होगी तो इसमें H माइनस का जो अटैक वो यहाँ होगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी, क्योंकि राइट वाला लेस स्टेरिकली क्राउडेड है इसलिए राइट में H जुड़ जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन जो होगी वो AlCl3 की प्रेजेंस में होगी तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज
यहाँ डेल्टा प्लस बनेगा ज़्यादा स्टेबल, और एच माइनस की रिएक्शन जो होगी तो जहाँ कार्ब केटायन ज़्यादा स्टेबल है वहाँ हो जाएगी। इस तरह से अपन बना लेंगे जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो यहाँ तो बन रहा है एक टर्शरी अल्कोहल और यहाँ बन रहा है एक प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर टू, इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं तो डी माइनस से रिएक्शन होगी SN2, और यहाँ होगी जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ आ जाएगा CH3 और OH और CH2D। ठीक है, इस तरह से। और अगर LiAl D4 AlCl3 के साथ कराते हैं तो पहले AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी, प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर D- के साथ अपन रिएक्शन कराएं तो लेफ्ट में करा देंगे यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा CH3 C इथाइल D और CH2OH, ये बन जाएगा इस तरह, राइट। तो यहाँ पर जो बन रहा है दैट इज ए 3 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ जो बन रहा है दैट इज ए 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो LiLH4 के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतना तो LiLH4 खुद अपने बारे में भी नहीं जानता होगा जितना हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या क्या रिएक्शन शो कर सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक लास्ट रिएक्शन और डिस्कस करते हैं LiLH4 के लिए, एंड दैट इज विद द अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ अगर आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लें इसके और बिल्कुल टाइम टू टाइम रिवाइज करें फिर देखो मजा आपका। ठीक है, मतलब आप लोगों को जहां पे भी आप लोग पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स से कितना ज्यादा आप लोग आगे निकल जाओगे आप सोच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हाँ एफर्ट आप लोगों को करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ पढ़ा दी और बस चल रहा है, वीडियो चल रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिखोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आगे निकल जाओगे। तो रिएक्शन अपन कराते हैं LiAlH4 के साथ। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रिएक्टिव पार्टिकल तो H- ही है, और जब हम रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ इस 1 डिग्री इस पर अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, सो दैट विल फॉर्म ए अल्केन और Cl- बाहर हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर SN2 रिएक्शंस। तो भाई अल्केन अगर अपन बनाना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ अल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन हम करा सकते हैं LiAlH4 के साथ, और LiAlH4 के साथ हम इस तरीके से अल्केन के फॉर्म में कन्वर्जन करा सकते हैं, जैसे कि हमने ग्रिग्नार्ड में भी करवाया था। तो इस तरह की रिएक्शंस को कराया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड होते हैं जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, और रिएक्शन हम करा देते हैं LiAlD4 के साथ। तो आप जानते ही हो कि इसमें जो SN2 रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन हट करके और ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके साथ LiLH4 का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है NaBH4। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइट, सोडियम बोरोहाइड्राइट, और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइट। ठीक है, एस बी एच या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या इसका आईयूपीएसी नेम है सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट थर्ड। ठीक है, सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट थर्ड, ठीक है, ये नाम है। सो जो NaBH4 जो है, ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो ये उतना रिएक्टिव नहीं है जितना LiLH4 है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स रहेगा और इसकी रिएक्टिविटी LiLH4 से कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, LiLH4 में
जैसे एलाइल एच फोर की अगर अपन बात करें तो एलाइल एच फोर में जो बॉन्ड है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में है, दैट इज ए वीकर बॉन्ड, आसानी से एच माइनस टूट सकता है, ये वीक बॉन्ड है। और इसमें क्या है, 1s2p ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और इसलिए आसानी से एच माइनस टूट नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा है और NaBH4 में आयनिक कैरेक्टर कम है, ठीक है। सो NaBH4 इज लेस रिएक्टिव, NaBH4 इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू LiAlH4 because NaBH4 has more covalent character than LiLH4. This is first reason. And second reason is the bond energy of H and B. तो ये bond काफी strong है H और B, ठीक है। Similar size के orbital है, 1s2p है, यहाँ पर क्या है difference of size ज़्यादा हो गया, 1s3p है, ठीक है। तो ये bond strong है और aluminium और H के बीच में जो bond weak है टूट जाएगा ये, ठीक है। तो NaBH4 उतना reactively participate नहीं करता है या उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना LiLH4 होता है, ठीक है। LiLH4 इज स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव, ठीक है। सब पे रिएक्शन हमने देखी है LiLH4 की, एल्डिहाइड पे, कीटोन पे, एस्टर पे, अनहाइड्राइड पे, एसिड पर, साइनाइड पर, आइसोसाइनाइड पर, अमाइड पर, अल्कीन पर हमने कराई LiLH4 के साथ, और हमने इपॉक्साइड पे, अल्काइल हैलाइड पे, सब पे रिएक्शन देखी, ठीक है। बट NaBH4 उतना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, अब अगर मान लो ये उतना रिएक्टिव नहीं है तो फिर ये सारी रिएक्शंस शो नहीं कर पाएगा जो LiLH4 शो करते हैं। और यही बात थी, इसीलिए मैं समझाने के लिए आपको पहले बताया कि NaBH4 इज लेस रिएक्टिव और SBH इज लेस रिएक्टिव। ये सिर्फ तीन ही रिएक्शन शो करता है, एल्डिहाइड पर, कीटोन पर और एसिड हैलाइड पर। तो तीन ही फंक्शनल ग्रुप के साथ में रिएक्शन ये शो करता है, यही इसकी खास बात है। किस पर रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड पर, कीटोन पर और एसिड हैलाइड पर, ठीक है। लेकिन देखो रिएक्शन तो वैसे ही होगी जैसे LiLH4 की होती है, होगी स्लो, लेकिन रिएक्शन तो नेचर तो वैसा ही होगा। इट विल ब्रेक इन टू वॉट, Na+ एंड BH4-, और ये फिर ब्रेक होकर के क्या बना ले, BH3 और H-। भाई H- बहुत आसानी से रिलीज नहीं होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करें सबसे पहले एल्डिहाइड पर। तो जैसे हमने LiLH4 की रिएक्शन कराई, NaBH4 की रिएक्शन भी इस पर हम करा सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे LiLH4 की कराई। तो यहाँ आ जाए NaBH4 एंड रिएक्शन विथ H2, तो यहाँ बन जाएगा RCOH HH, ठीक है, ये बन जाएगा। या इसकी रिएक्शन अगर मान लीजिए दिया जाता है NaBD4 एंड H2, तो ड्यूटेरियम को आप कार्बन से लगा दीजिए और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा लीजिए, ठीक है, यहाँ D आ जाएगा। तो यहाँ BD4 से जो ड्यूटेरियम आ रहा है वो तो कार्बन से जोड़ेंगे और वाटर से जो H आ रहा है वो O से जोड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही हम कीटोन्स से और एसिड हैलाइड से रिएक्शन को करा सकते हैं, ये फास्ट रिएक्टिंग भी होते हैं। सबसे फास्ट रिएक्टिंग होता है एसिड हैलाइड, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, फिर एल्डिहाइड और फिर कीटोन। तो ये जो फास्ट रिएक्टिंग वाले पार्टिकल हैं, सबसे फास्ट रिएक्टिंग एसिड हैलाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, इनसे तो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया NaBH4 और H+H2O, तो इनसे रिएक्शन हो जाएगी और ये रिडक्शन शो करेगा यहाँ पर OH और यहाँ H आ जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। एसिड हैलाइड से भी हो जाएगी, तो R
सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। रिएक्शन हम कराते हैं किससे होगी, एन ए बी एच फोर से। तो एन ए बी एच फोर और सेकेंड स्टेप एच प्लस एच टू ओ, तो पहले ये रिड्यूस हो करके क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा, और फिर इसका फर्दर जब रिडक्शन होगा तो इट विल कन्वर्ट इन टू अल्कोहल, सिंपल। बट एस्टर से या अनहाइड्राइड से, एस्टर से, अनहाइड्राइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इनसे ये रिएक्शन शो नहीं करता भाई, ठीक है। साइनाइड से, अमाइड से, किसी से भी रिएक्शन शो नहीं करता है। तीन ही रिएक्शन पॉसिबल है NaBH4 की, एल्डिहाइड से, कीटोन से और एसिड हैलाइड से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे दिए जाए जिसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो अनटच रहेंगे, उन पर NaBH4 की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, सो लेट्स टेक ए ब्रेक, और इसको आप लिख लो, कॉपी कर लो, पॉज करके, अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स और अगर रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द रिएजेंट आइदर LiAlH4 और NaBH4, ये हमें बताना है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो इसका रिडक्शन हो जाना चाहिए RCH2OH में। LiAlH4 से हम करा सकते हैं और NaBH4 से भी करा सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन LiAlH4 का ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड, रिएक्शन ऑफ कीटोन, तो और जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज OH, H एंड R2, इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, और हम LiAlH4 से बना सकते हैं और NaBH4 से भी बना सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन LiAlH4 का ज़्यादा होगा। फिर हम देखते हैं एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड की जो रिएक्शन है इससे बनना चाहिए फाइनली पहले एल्डिहाइड फिर अल्कोहल, और यस वी कैन कैरी आउट द रिएक्शन विथ LiAlH4 एंड ऑल्सो विथ NaBH4, ठीक है। देन एस्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था RC डबल बॉन्ड OR1, इसमें दो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं RCH2OH और R1OH। तो LiAlH4 से तो हम बना सकते हैं मगर NaBH4 से हम बना नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद हम देखें अनहाइड्राइड, रिएक्शन हम कराते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दो प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं, तो RCH2OH, इसलिए मैंने 2 RCH2OH लिख दिया। यस वी कैन फॉर्म विथ LiAlH4 बट विथ NaBH4 देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इनको कॉपी कर लीजिए आराम से, एक ब्रेक लेकर के। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स, और उनके प्रोडक्ट्स, ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, LiAlH4 एंड NaBH4, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां देखें हम, अगर हम यहां पर लेते हैं साइनाइड्स, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट बनेगा RCH2 और NH2। यस वी कैन कैरी आउट द रिएक्शन विथ LiAlH4 बट विथ NaBH4 देयर विल बी नो रिडक्शन, ठीक है। अगर हम यहां पे लेते हैं RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन RNC आइसोसाइनाइड, तो यहां हम एक्सपेक्ट करते हैं RCH2NH2 और यहां हम एक्सपेक्ट करते हैं RNHCH3। द रिएक्शन इज पॉसिबल विद LiAlH4 बट NaBH4 नो रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना है। देन रिएक्शन विद अमाइड्स,
आर सी डबल बॉन्ड और एनएच टू। रिएक्शन हम कराते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अमीन बनेगा। द रिएक्शन इज पॉसिबल विद एलाइल एच फोर बट विथ एन ए बी एच फोर नो रिएक्शन। एंड देन इफ वी कैरी आउट द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इज आर सी एच टू ओ एच पॉसिबल विद एलाइल एच फोर बट विथ एन ए बी एच फोर देर विल बी नो रिएक्शन। तो बात यह है कि हमें इस तरीके से चार्ट बनाने से काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हमें समझ में आ रही हैं, और जो भी हमने पढ़ा है पिछले दो लेक्चर्स में वो समराइज भी हो जा रहा है। ध्यान रखना है भाई, एलाइल एच फोर इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वाइल एन ए बी एच फोर इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारी रिएक्शन और ये टेंथ वाला, इन सबसे अल्कोहल बन रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड से, कीटोन से, एसिड हैलाइड से, एस्टर से, अनहाइड्राइड से और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बन रहे हैं, जबकि साइनाइड से, इमीन से, आइसोसाइनाइड से, अमाइड से अमीन बन रहे हैं। बट एलाइल एच फोर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड्स विद एन ए बी एच फोर, बट बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी, एलाइल एच फोर की। और एलाइल एच फोर की रिएक्शन हमने अल्कीन पर, अल्काइन पर भी देखी, अल्काइल हैलाइड पर भी देखी, एंड दोज रिएक्शंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने डिस्कस किया वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल्स बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग अल्कीन, और अल्कीन से हम डायरेक्ट एच प्लस एच टू ओ की रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम इसको बना सकते हैं अल्कोहल को बाय यूजिंग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड हैलाइड, एस्टर, अनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग एलाइल एच फोर। और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी हमने बीच में डिस्कस किया, ठीक है। एन ए बी एच फोर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज एलाइल एच फोर एंड इट कैन रिड्यूस ओनली थ्री फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड हैलाइड्स, ठीक है। तो हमने लेक्चर वाइज भी पढ़ा और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए और हमने इसको समराइज भी किया। दो तीन क्वेश्चन मैं इस पर और करवाना चाहता हूँ जिससे कि पूरी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लें। कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं, मान लो कि हमारे पास में ये कंपाउंड है और इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब इसकी रिएक्शन अगर कराते हैं अपन एलआई ए एल एच फोर के साथ, या इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एन ए बी एच फोर, ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट स्टेप एल आई एल एच फोर, सेकेंड स्टेप एच प्लस एच टू ओ, या फर्स्ट स्टेप एन ए बी एच फोर, सेकेंड स्टेप एच प्लस एच टू ओ लिख करके ही दें। हमें मानना है कि हमें सेकेंड स्टेप में वो लेना है, बिकॉज पर्पज इज टू कन्वर्ट इट इन टू अल्कोहल। तो जब एन ए बी एच फोर लोगे तो यहाँ झांकने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी का रिडक्शन करा दीजिए और इसका रिडक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर एलाइल एच फोर लोगे तो एल्डिहाइड का तो होगा ही और एस्टर का भी रिडक्शन होगा, तो यहां तो रिडक्शन हमको कराना ही है। और यहां पर क्या होगा, पहले ये एल्डिहाइड में और ये ओएच, और फिर फर्दर ये एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि पहले एलाइल एच फोर से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां तो आ जाएगा एच, ठीक है, और ये लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो खैर इसका तो रिडक्शन होना ही है, तो पहले एल्डिहाइड बन जाएगा और फिर एल्डिहाइड का हम फर्दर रिडक्शन करा देंगे एच माइनस के साथ, और ये अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या होगा, 99% स्टूडेंट गलत करेंगे। देखा, रटा मार रखा है एलाइल एच फोर ये बन गया, एन ए बी एच फोर से भी ये बन गया। कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे वो सोचेंगे हाँ भाई इसकी तो रिएक्शन हो जाएगी और इसकी रिएक्शन मतलब एस्टर की नहीं होगी, इसकी करा लेंगे। और कुछ बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होंगे वो जय भद्रकाली बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शन वाइज ए बी सी डी जो भी हो जाए, ठीक है, भद्रकाली के नाम पर ऑप्शन दे देंगे। तो हमें भद्रकाली का भक्त तो बनना है, ठीक है, लेकिन जय भद्रकाली बोल करके, ठीक है, और ऑप्शंस हमें ऐसे कुछ भी मार्क नहीं कर देने हैं। तो आप ये टेबल देखें, टेबल के बेसिस पर करें, पूरा लेक्चर तो हमने किया ही है और उसको भी आप लोग नोटबुक में नोट करें, ठीक है, और इसके बाद
जब फाइनली प्रैक्टिस की बारी आए तो कुछ क्वेश्चन अच्छे करने भी हैं हमें, और स्टडी मटेरियल भी हमने अपना दे ही रखा है आप लोगों को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत मजाक करते हैं, ठीक है, तो सर तो बिल्कुल मजाक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, मान लो कोई अनहाइड्राइड दे दें इस तरह से, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड और सी एल दे दें, ठीक है, और रिएक्शन एक तो अपन ने करा दी किससे, एन ए बी एच फोर के साथ, और एक रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, एल आई ए एल एच फोर के साथ, ठीक है। अब आपको बताना है भाई एन ए बी एच फोर से क्या बनेगा और एल आई एल एच फोर से क्या बनेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एन ए बी एच फोर से रिएक्शन को करवाओगे तो इस तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है, केवल एसिड हैलाइड पर करा दीजिए, और एसिड हैलाइड पर रिएक्शन को कराते हो तो यहाँ पर आ जाएगा सी एच टू ओ एच, ठीक है, इस तरह से, और बाकी कुछ हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एल आई एल एच फोर से अगर रिएक्शन को कराते हैं तो नेचुरली यहाँ तो अल्कोहल बनना है ही, इसका भी क्या होगा, रिडक्शन होगा पहले एल्डिहाइड में और ये लीविंग ग्रुप की तरह जाएगा, और फिर फर्दर इसका रिडक्शन अल्कोहल में और इसका भी रिडक्शन अल्कोहल में हो जाएगा, ठीक है, और जो आंसर हमें मिलेगा, ठीक है, फाइनली वो ये मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सी एच टू ओ एच, यहाँ पर भी आ जाएगा सी एच टू ओ एच, और यहाँ पर आ जाएगा सी एच टू ओ एच, तीन तीन ओ एच आ जाएंगे यहाँ पर, और तीनों ही वन डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर एल आई एल एच फोर से रिएक्शन कराते हैं तो दिस शुड बी द आंसर, एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन वन डिग्री में और अनहाइड्राइड से दोनों ग्रुप का रिडक्शन करा के, और मैंने बना लिया सी एच टू ओ एच दोनों तरफ, ठीक है। और अगर एन ए बी एच फोर से कराते हैं तो एसिड हैलाइड का तो रिडक्शन करा दीजिए, मगर अनहाइड्राइड की तरफ झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो काफ़ी बार मैंने ये कंपेरिजन करवा दिया, ठीक है, तो समराइज मैंने कर दिया है। और भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनसे कि हम अल्कोहल बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम एंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन बी एच थ्री टी एच एफ इज ऑल्सो ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो वो सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।